भैया जी गाड़ी। फाइनली दोस्तों आपके सामने खड़ी है रेनो ट्राइबर का फेस्टिव एडिशन। फेस्टिवल शुरू हुए और रेनो ने अपने कस्टमर्स के लिए एक प्रॉपर फेस्टिव एडिशन जो है वो लॉन्च कर दिया। फिलहाल आपके सामने ट्राइबर है, लेकिन क्विड में और रेनो की काइगर में जो एक टॉप सेलिंग रेनो का प्रोडक्ट है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, उसमें भी आपको ये फेस्टिव एडिशंस जो हैं वो मिलते हैं। गाड़ी में ओवरऑल नया क्या है हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप ओवरऑल गाड़ी का अगर आप लुक देखेंगे, जो कॉम्बिनेशन गाड़ी के साथ रखा गया है ये ब्लैक एंड वाइट का, ये देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। फ्रंट में अगर आप आएंगे तो कुछ रेड एक्सेंट जो है वो आपको इसके किसी एडिशन में नहीं मिलते, बट आपको वो फेस्टिव एडिशन में मिलते हैं, जो गाड़ी को थोड़ा सा एक प्रीमियम स्पोर्टियर फील मैं कहूँगा वो देते हैं। साथ ही जिस हिसाब से ये गाड़ी का लुक अभी इस एडिशन में आपको मिलता है, ये हर एज ग्रुप के पर्सन को पसंद भी आता है। बहुत ही क्लासिक सा लुक भी है, बहुत ही मेच्योर सा लुक भी है, और साथ ही में बहुत ही स्पोर्टियर जो लुक है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल ये जो वेरियंट है ये इसका RXZ यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, और इसी वेरियंट में आपको ये फेस्टिव एडिशन मिलने वाला है। फिलहाल रेनो ने इसमें कोई भी प्राइस जो है वो अपने हाइक नहीं करे हैं, यानी कोई इसमें अभी एक्स्ट्रा प्राइस आपसे कंपनी नहीं ले रही है, बट आपको एक प्रॉपर एडिशन जो है जिसमें चेंज किए गए हैं वो क्या है, जिसकी वजह से गाड़ी का प्रॉपर लुक जो है आपको इनहेंस होकर और बेहतर लुक आपको जो मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको इसमें मैकेनिकली और टेक्निकली कोई भी चेंजेस नहीं दिए गए, लेकिन कॉस्मेटिक चेंजेस जो किए गए हैं उससे गाड़ी दिखती और ज्यादा सुंदर है। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट में यहाँ ग्रिल में एक रेड एक्सेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ इसकी फॉग लैंप की जो सराउंडिंग है, इसकी सराउंडिंग में आपको प्रॉपर एक रेड एक्सेंट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये जो आप सामने इसके हेडलैम्प सेक्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम रखा गया है। नॉर्मल आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प्स है, इधर आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स जो है वो मिलेंगे। कॉम्बिनेशन कलर का बहुत बेहतरीन लग रहा है, प्रॉपर यहाँ पर नीचे व्हाइट, ऊपर आपको रूफटॉप जो है वो प्रॉपर ब्लैक मिलेगी, ए पिलर भी आपको ब्लैक मिलेगा, बी पिलर भी, सी पिलर के ऊपर काफ़ी बड़ा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर जो ग्लास है वो आपको मिल जाएगा। डोर हैंडल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक प्रॉपर ब्लैक ग्लॉसी फिनिश आपको मिलेगी। ORVMs भी बिल्कुल ब्लैक दिए गए हैं यहाँ पर, और LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स है। और अगर आप इसके ऊपर भी यहाँ पर देखेंगे तो हल्की सी जो ब्लैकनेस है, यानी ये कहाँ पर अभी आपको स्मोकी इफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो चीज़ आपको टर्न इंडिकेटर के ऊपर भी दिखेगी। नीचे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल रेडियम यानी स्टिकर्स जो है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है, बट इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज है, ये टेक्सचर्स जो है वो ऐड किए गए हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो रेड एक्सेंट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एक और काफ़ी बेहतरीन चेंज, जो आपको यहाँ पर नॉर्मल सिल्वर व्हील्स मिलते थे तो वो चीज़ यहाँ पर हो गई है चेंज। फ्लैक्स व्हील्स मिलेंगे, अलॉय व्हील नहीं दिए जाते, लेकिन ये प्रॉपर ब्लैक कलर में है, जेट ब्लैक कलर है, देखने में काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रेनो का जो लोगो है वो मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दी गई है, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जैसे पहले मिलती थी। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो सेम है 182 mm की, और 2636 mm का गाड़ी का जो व्हील बेस है वो सेम चीज़ वैसे ही रखी गई है। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्चुअल में इंटीरियर में यहाँ पर कुछ भी मेजर चेंजेस जो है वो नहीं किए गए, सभी चीज़ें सारे फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही रखे गए हैं जैसे आपको RXZ में मिलते थे। वही टच स्क्रीन है, वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट मिलेगा, सीट्स जो है वो बिल्कुल सेम मिलेंगी, सीट्स की क्वालिटी सेम है, वही आपको यहाँ पर जो है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, और दोनों यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए ग्लोव बॉक्स ऊपर नीचे सेम उसी टाइप से यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इंटीरियर में फिलहाल कोई भी कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन जो कॉस्मेटिक चेंजेस इसके एक्सटीरियर में किए गए हैं वो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें गाड़ी की रेयर प्रॉपर देखेंगे तो ये पोर्शन प्रॉपर जो है इसका ब्लैक रखा गया है, डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं रेयर में, वाइपर और वॉशर की प्लेसमेंट दी गई है, और एनकैप में गाड़ी 4-स्टार रेटेड है तो उसकी प्रॉपर एक ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलेगा, ड्राइवर की प्रॉपर ब्रांडिंग, यहाँ पर आपको रेयर व्यू कैमरा, और अगर मैं टेल लाइट्स की बात करूँ तो ये सेटअप बिल्कुल सेम रखा गया है, नॉर्मल सेटअप है जैसे आपको पहले मिलता था, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। नीचे रेनो की ब्रांडिंग, और अगर आप रेयर बम्पर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर सिल्वर
स्किड प्लेट, एग्जॉस्ट पाइप यहाँ नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेयर व्हील जो है वो नीचे, और ये जो अंडर बॉडी है वो आप प्रॉपर यहाँ से देख सकते हैं। अब एक चीज़ आप और देखिए, हर चीज़ यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी कोटेड है, जिस चीज़ के डैमेज होने का रिस्क होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी, प्राइमर है, कहीं पर ब्लैक पेंट है, तो सब चीज़ें कोटेड है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको जो कंपनियाँ कहती हैं ना कि अंडर बॉडी आप इसे कोट करवा लीजिए, वो चीज़ें आपको नहीं करवानी पड़ेगी। फिलहाल आते हैं टॉपिक पर, और यहाँ अगर आप देखेंगे फ्यूल फिलर कैप है, इसकी कैपेसिटी जो है वो आपको 40 लीटर की मिलेगी। सेम यहाँ पर भी आपको प्रॉपर जो है वो इसी तरीके से देखने के लिए, रियर सीट की अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपको बिल्कुल सेम मिलने वाली है, वही फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, 60-40 का स्प्लिट रेशियो, एडजस्टेबल हेडरेस आपको मिलेंगे, आर्मरेस्ट कोई नहीं दिया जाता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर चिलर बॉक्स आपको मिलेगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको मिलेगा मोबाइल फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए। सेकंड रो के लिए एसी वेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, थर्ड रो में भी इसके आपको प्रॉपर एसी वेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसका बूट ओपन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड रो के लिए सेपरेट आपको एसी वेंट जो है वो फिलहाल मिलने वाले हैं। अगर आप वैसे यहाँ पर देखेंगे बूट स्पेस, यानी अगर इसकी सातों सीटिंग कैपेसिटी अगर आपने अपलिफ्ट कर रखी है, तो नंबर्स की बात करूँगा तो 89, मुश्किल से दो लैपटॉप बैग आप यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे। बट अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये सीट्स आपकी वैकेंट है, तो आप इन सीट्स को हटा सकते हैं, ये नीचे वाली जो सीट्स हैं ये भी प्रॉपर इसमें हट जाती हैं, तो 625 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपके पास रहता है। आगे जो सारी सीट बेल्ट्स हैं वो रिट्रैक्टेबल आपको मिलने वाली हैं, बट ये जो थर्ड रो के लिए सीट बेल्ट्स आपको मिलेंगी ये रिट्रैक्टेबल नहीं होंगी, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, तो अगर आपको कभी टायर इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करना पड़ता है या वैक्यूम, तो उसके लिए बहुत काम का है, मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली आप चार्ज कर पाएंगे, और इस तरीके से आप अपनी सीट बेल्ट्स को यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं बहुत ही नीटली, तो ज़्यादा आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट जो है वो खटर पटर नहीं करती हैं। ग्रैब हैंडल्स आपको हर साइड मिलने वाले हैं, इस तरीके से फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट ड्राइवर साइड आपको सभी साइड मिलेंगे। कैबिन लाइट ओवरऑल गाड़ी में आपको दो ही मिलने वाली हैं, और दोनों ये हाइलोजन बेस जो है वही आपको मिलती हैं। स्पेयर व्हील मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, उससे कवर्ड है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये भी ब्लैक रखा गया है, ताकि जब आप इसको क्लोज भी करें तो वो फिनिश जो है ओवरऑल यहाँ पर दिखे। तो डूल टोन जो है वो प्रॉपर अंदर भी थोड़ा सा करा गया है, ताकि उसमें कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ से भी विजिबल ना हो। अब अगर आप देखेंगे ओवरऑल गाड़ी दिखती कैसी है, मैं कहूँगा कि इस एडिशन में गाड़ी पहले से और ज़्यादा सुंदर दिख रही है, थोड़ा सा प्रीमियमनेस जो है वो गाड़ी में और झलक रही है। इस फेस्टिव एडिशन का कंपनी जो है वो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक जो है वो बनाने वाली है, तो अगर आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया और आपके लिए अगर बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके जो लुक्स हैं वो मैं कहूँगा बहुत ही क्लासी हैं, बहुत मेच्योर लुक्स आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ी देती है। बहुत ही हल्के हल्के रेड एक्सेंट जो है वो यूज़ किए गए हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ साइड पर दिखाया, फ्रंट के ग्रिल पर है, DRL पर है, तो वही है। बाकी ये ब्लैक कलर के आपको फ्लैक्स व्हील्स मिल जाते हैं, जो मैं कहूँगा कि गाड़ी की ब्यूटी को, यानी इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। इंटीरियर वाइज अगर आप देखेंगे तो गाड़ी बिल्कुल सेम है, इंटीरियर में कुछ खास चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इवन देन ये जो आप इसकी चाबी भी अगर देखेंगे तो गाड़ी की चाबी बिल्कुल सेम है, उसी तरीके की आपको रिमोट की यहाँ पर मिलने वाली है, पीछे रेनो का लोगो, लॉक अनलॉक, यहाँ पर अगर आपके बूट को अनलॉक करने के लिए फॉलो मी हेडलैम्प्स, वही सब चीज़ें। मेजर जितने चेंजेस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिए गए, जो है इसमें मेन आपके कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, और कॉस्मेटिक चेंजेस के तौर पर गाड़ी दिखने में पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। यहाँ पर भी आपको रेड एसेंट, फ्रंट ग्रिल में आपको रेड एसेंट, बाकी जो हेडलैम्प वगैरह का सेटअप है वो सेम है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के फ्लैक्स व्हील्स जो हैं वो मिल जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डूल टोन कलर कॉम्बिनेशन जो है वो देखने में काफ़ी सुपीरियर लग रहा है। ब्लैक कलर के ही आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स मिलेंगे, और साइड में भी इस तरीके से थोड़ा सा रेड एक्सेंट जो है उसका यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल आपको ये एडिशन कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और आप इस वेरियंट को अगर चूज़ करते हैं, यानी अगर आप इस एडिशन को चूज़ करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर बिना प्राइस हाइक के आपको एक डिफरेंट चीज़ मिल रही है जो दिखने में और ज़्यादा सुंदर है कॉस्मेटिक चेंजेस की वजह से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।